नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काली मिर्च के बारे में। ये गाना आपने जरूर सुना होगा, काले हुए तो क्या हुआ है, बड़े दिल वाले हैं। तो ऐसा ही इस काली मिर्च के साथ में है, काली हुई तो क्या हुआ, बड़े दिल वाली है, बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। अगर आप इस वीडियो में लंबे समय तक टिके रहोगे तो काली मिर्च के जितने भी प्रकार के अगर आपको फायदे का पता नहीं है, इस वीडियो में आपको काली मिर्च के फायदे के बारे में पता चलने वाला है। देखिए, काली मिर्च आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो हमारे स्क्रीन में आप देख सकते हैं। ठीक है, दाने के प्रकार की होती है, ब्लैक कलर की होती है, जो कि बहुत ज्यादा आप स्पाइस में इसको उपयोग में लेते हैं। घरों में मसालों के रूप में काली मिर्च का बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। देखिए, इसको किंग ऑफ स्पाइस भी बोला गया है। काली मिर्च को हम किंग ऑफ स्पाइस भी कहते हैं, मसालों के राजा भी इस काली मिर्च को बताया गया है। आयुर्वेदा की अगर बात करें तो काली मिर्च को गर्म नेचर का बताया गया है, तीक्ष्ण नेचर का इसको बताया गया है। ठीक है, अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो ये हमारे शरीर में कफ रिलेटेड जितने भी प्रकार के दोष हैं उनको ये दूर करती है। देखिए, अगर इसको हम सर्दियों में उपयोग में लें तो जितने भी प्रकार की कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, जुकाम की प्रॉब्लम है, कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो वहां पर बहुत ही अच्छे फायदे काली मिर्च के देखे गए हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिनको लंबे समय तक कफ की प्रॉब्लम रहती है तो वो लोग भी काली मिर्च का उपयोग में ले सकते हैं। ओके, सेकेंड इसका अगर बेनिफिट की बात करें तो जितने भी प्रकार के स्किन रिलेटेड डिजीज है, चर्म रोग जितने भी प्रकार के हैं, जैसे कि सोरायसिस की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो वो लोग अगर काली मिर्च के पाउडर को तेल के साथ मिलाकर उपयोग में लेते हैं तो उनको त्वचा संबंधी जितने भी प्रकार के जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं, ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई व्यक्ति है जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, अल्जाइमर डिजीज की प्रॉब्लम है, या पार्किंसन डिजीज की अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी ब्लैक पेपर मतलब कि काली मिर्च का अगर उपयोग करते हैं रेगुलर में, तो उनके ये सारे जो प्रॉब्लम है बहुत ही कम समय में दूर हो जाते हैं। क्योंकि ब्लैक पेपर में एक केमिकल होता है पेपरिन, जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बेनिफिट की बात करें तो वो है दोस्तों, काली मिर्च में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की क्रिया को कम करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा तो फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे, और फ्री रेडिकल अगर हमारे शरीर में ज्यादा बनेंगे तो हमारे ऑर्गन को ये डैमेज करते जाएंगे, जिससे फ्यूचर में उन ऑर्गन के रिलेटेड हमें कोई भी बीमारी हो सकती है। ठीक है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की क्रिया को रोकती है, फ्री रेडिकल्स बनने से रोकती है, जिससे हमारे ऑर्गन की ये रक्षा करती है ब्लैक पेपर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बेनिफिट की दोस्तों अगर बात करें तो वो है हमारे ब्लड में शुगर लेवल को ये कम करते हैं। ब्लैक पेपर में पेपरिन नाम का जो केमिकल्स होता है वो हमारे शरीर में इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे हमारे बड़े ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल है वो कम होता है, और डायबिटीज लोग भी इसको उपयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बेनिफिट की बात करें तो वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है ब्लैक पेपर। जो लोग जिनको एलडीएल की प्रॉब्लम है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, तो वो लोग भी ब्लैक पेपर का उपयोग में ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपके शरीर में एलडीएल ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो बुरा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ेगा, जिससे आपको फ्यूचर में हार्ट के संबंधित कई प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम दोस्तों की बात करें ब्लैक पेपर के फायदे के बारे में, तो वो है डाइजेशन को ये इम्प्रूव करती है। जो लोग जिनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, भूख नहीं लगती है, या पेट में कोई अल्सर वगैरह हो गया है, तो वो लोग भी ब्लैक पेपर का उपयोग में ले सकते हैं। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। ठीक है, अगर हम और भी बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो कई हद तक इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है ब्लैक पेपर की, जो कि हमारे शरीर में कैंसर की रिस्क को कई हद तक कम कर देती है। जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, ओवेरी कैंसर है। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के जो कैंसर है उनकी रिस्क को ये ब्लैक पेपर कम करती है। तो दोस्तों, आप भी ब्लैक पेपर का उपयोग में ले सकते हैं। आप कैसे उपयोग में ले, मसालों में हम यूज करते ही है, लेकिन अगर आप सुबह सुबह ब्लैक पेपर का जो अगर काली मिर्च का पाउडर बनाकर सुबह सुबह शहद के साथ अगर लेते हैं तो बहुत अच्छे फायदे इसके देखे गए हैं। और सर्दियों में तो आपको लेना ही चाहिए, जिससे आपको जुकाम न लगे, सर्दी न लगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ब्लैक पेपर मतलब कि काली मिर्च के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।